अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों अगले 5 से 6 मिनट के अंदर मैं आपको इस कोर्स की तमाम अहम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, 10th क्लास पास कर लिया है आपने, तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखें। मैं यहाँ बताऊँगा आपको कि एमयू में या डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और वहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं, तो ये जब भी आपको पता हो पाएगा जब आप वीडियो पूरे देखेंगे। और कोई और आपको मिलने वाला है वो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो उस तक ये प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास के बाद आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाए, आप 11th करना नहीं चाहते हैं, आप कह रहे हैं दो तीन साल के अंदर मुझे एक अच्छी नौकरी के लायक हो जाऊँ मैं, ऐसा कोर्स, ये कोर्स आपके लिए है। 12th के बाद आपको बहुत अच्छी कोई नौकरी नहीं मिल पाती, उसके बाद फिर आपको कोई भी बीटेक वगैरह करना पड़ेगा या बीएससी या कहीं आगे जाएं, लेकिन 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो वीडियो को गौर से देखें दोस्तों पहले बात करता हूँ मैं इस कोर्स की फीस क्या है। अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करते हैं तो आपको 650 रुपये की एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगी। उसे बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। उससे पहली ब्रांच है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग। उससे यहाँ जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 90 सीट दोस्तों जो है 90, मतलब पूरी सीट्स मेल के लिए हैं, फीमेल की कोई सीट नहीं है। तो नेक्स्ट ब्रांच है मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टोटल सीट 15 सारी सीट जो है दोस्तों फीमेल्स की हैं, मेल की कोई भी सीट नहीं है। तो थर्ड ब्रांच है यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टोटल सीट दोस्तों यहाँ 60 है, 30 मेल्स एंड 30 फीमेल्स। तो नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल सीट दोस्तों 30 है, सब मेल्स की है, फीमेल की कोई सीट नहीं है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टोटल सीट दोस्तों 60 है, 30 मेल की और 30 फीमेल्स की। तो नेक्स्ट ब्रांच है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल सीट 15 है, सारी सीट दोस्तों मतलब फीमेल्स की है, मेल की कोई सीट नहीं है। तो अगली ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, दोस्तों यहाँ टोटल सीट 30 है, सारी मेल्स के, फीमेल की कोई सीट नहीं है। तो नेक्स्ट सीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल सीट 125, सारी मेल्स की है, फीमेल की कोई सीट नहीं है। तो नेक्स्ट ब्रांच है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, टोटल सीट दोस्तों 20 है, 14 मेल्स 6 फीमेल्स, और अगर 6 फीमेल्स नहीं होंगी सीट जब नहीं है, अगर 6 फीमेल्स नहीं आती तो वो सीट मेल को ट्रांसफर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ब्रांच है इंटीरियर डिजाइन, टोटल सीट्स यहाँ पे 20 हैं, 14 मेल्स के लिए हैं और 6 फीमेल्स के लिए हैं, अगेन वही यहाँ कंडीशन है, अगर 6 फीमेल्स नहीं होंगी तो वो सीट ही मेल्स को ट्रांसफर हो जाएंगी। तो लास्ट ब्रांच है यहाँ पर लेदर गुड्स एंड फुटवेयर टेक, यहाँ 200 सीट्स हैं 30 टोटल, 21 सीट जो है वो मेल्स के लिए हैं और 9 सीट जो है वो फीमेल्स के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 21 सीट्स के अंदर 16 सीट जो है वो नॉर्मल सीट्स हैं बॉयज के लिए, 5 सीट जो है वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, मतलब जिनको कंपनी अपनी साइड से भेजती है पैसा खर्च करके, तो वो 5 सीट उनके लिए फिक्स हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये थी आप ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ सीट। तो बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वहां पर आपको क्लास 10 पास करना है विद 45% मार्क्स के साथ, जो कि आपको होना चाहिए इंग्लिश मैथ साइंस के अंदर, और ये सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल भी पास करना चाहिए, 45 आपके एग्रीगेट। दूसरा दोस्तों अगर आप 10th अगर आपने 12th किया है उसके बाद का कोई भी आपने एग्जाम किया है, मतलब बीए के बाद, लेकिन 12th आपने जो है वो किया है साइंस से, जब भी आप इस कोर्स में एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको 45% मार्क के साथ कोर्स पास करना है, जहां पर आपको इंग्लिश हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो ये दो इसकी हैं मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एक 10th है एक हायर एग्जामिनेशन के बाद भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बात करता हूँ अब इंटरनल कैंडिडेट के बारे में। दोस्तों इंटरनल कैंडिडेट अगर आपने 10th एएमयू से किया है, जब भी आप इस कोर्स पर इंटरनल हैं, अगर आपने 12th किया है एएमयू से उसके बाद आप डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स पर इंटरनल नहीं होंगे, ये पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको 10th एएमयू से ही करना है। दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी एज, तो मैक्सिमम एज दोस्तों जो है इसकी 21 साल है, 1 जुलाई 2021 को, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए, 21 ईयर्स। तो इसका जो टेस्ट होगा उसका आप सुन लीजिए, 100 मार्क्स का इसका टेस्ट होगा
उसका डिवीजन क्या क्या है। तो 50 मार्क्स के दोस्तों आएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो दोस्तों, 30 मार्क्स की आएगी आपकी मैथमेटिक्स, 10 मार्क्स की आएगी आपकी इंडो इस्लामिक एंड 10 मार्क्स की आएगी जीके। यहाँ पर आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी मिलती है, इसका मतलब ये होता है अगर आपका 4 गलत आपने आंसर टिक कर दिया तो कम आ दिया, 4 गलत हो गया तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आगे इसके टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ हैं। तो इसके सेंटर आप नोट कर लें, अलीगढ़ में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, बरेली में है, श्रीनगर में है, कोलकाता में है, पटना में है और लास्ट है किशनगंज। तो ये इसके सेंटर हैं, तो आप अपने जो भी आपको सूट करे सेंटर वो आप फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो पेपर होगा वो तीनों लैंग्वेज में आएगा, वो इंग्लिश में भी आएगा, वो हिंदी में भी होगा, वो उर्दू में भी होगा। दोस्तों ये मैंने आपको तमाम डिटेल्स बता दी है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, आई होप वीडियो पसंद आपको आएगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।